हेलो बच्चों, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13.4। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट द आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय ओजोनोलिसिस ऑफ द प्रोडक्ट कंपाउंड। जो कंपाउंड दिए हैं उनका हम लोग क्या करेंगे? ओजोनोलिसिस करेंगे, और जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा उसकी आईपीसी हमें बतानी है। सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले हमें दिया पेंट टू ईन दिया, हमें दिया हुआ है पेंट टू इन। तो देखिए पेंट टू इन क्या होता है, कितने कार्बन होंगे? पांच, 1, 2, 3, 4, 5। और दूसरे कार्बन पे क्या लगा हुआ है? डबल बॉन्ड लगा हुआ, तो ये दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लग गया। अब कार्बन की वैलेंसी तो चार होती है, एक बॉन्ड जोड़ा है तो तीन क्या जोड़ेंगे? हाइड्रोजन। दो बॉन्ड जोड़े तो क्या जोड़ेंगे? दो हाइड्रोजन। तीन बॉन्ड जोड़े तो एक हाइड्रोजन। तीन बॉन्ड जोड़े तो एक हाइड्रोजन। एक बॉन्ड जोड़ा तीन हाइड्रोजन। इसकी कह रहे हैं ओजोनोलिसिस कराई। तो ओजोनोलिसिस देखिए सिंपल सी रिएक्शन होती है कि ओजोन की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे जाकर रिएक्शन करता है ये, और क्या बनाता है? ओजोनाइड बनाता है। ओजोनाइड में क्या होता है? ओजोन मॉलिक्यूल जुड़ता है कुछ इस तरीके से, ओ ओ, यानी जो डबल बॉन्ड होगा वो पूरा पूरा हट जाएगा। क्या बन जाएगा? ओजोनाइड। देन क्या होता है, फिर हम लोग जब इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका क्या हो जाता है? ये ब्रेक हो जाता है पूरा, ठीक है? यहाँ से इस तरीके से क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा और हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिलेंगे। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? CH3, CH2, CHO। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3, CHO। अगर हम लोग इसकी आईपीसी लिखें तो कितने कार्बन हैं? 1, 2, 3। तीन कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? एन। CHO तो ई हटा के क्या जोड़ देंगे? अल, प्रोपेन अल। एक दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा? एथ। सिंगल बॉन्ड है तो एन। CHO तो ई हटा कर क्या जोड़ देंगे? अल, इथेनल। अच्छा, ये एक तरीके की ओजोनोलिसिस है। हम क्या कर सकते हैं? हम H2O की जगह पे, ZN की जगह पे H2O2 भी लेते हैं। तो H2O2 जब लेते हैं तो वो क्या करता है? फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देता है, इसका ऑक्सीकरण कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। तो जब ऑक्सीडेशन कर देगा तो CHO किस में बदल जाता है? COOH में बदल जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पर हम लोग वो बात नहीं करने वाले हैं। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है, नेक्स्ट हमें है 3,4-डाईमिथिल हेप्ट 3। 3,4-डाईमिथिल हेप्ट 3-ईन। हेप्ट में कितने कार्बन होते हैं? हेप्ट में होते हैं 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्बन हो गए। अब तीन और चौथे पे क्या लगे? 2 मिथिल, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तीन पे एक मिथिल लगा हुआ है और एक चार में मिथिल लगा हुआ है, 2 मिथिल हो गए। और तीसरे पे ही इन लगा हुआ है। तीसरे पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर इन लगा हुआ है। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दी, एक बॉन्ड जुड़ा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। दो बॉन्ड जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। दो बॉन्ड जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। 1, 2 बॉन्ड जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे। एक बॉन्ड जुड़ा, 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। हो गया हमारा 3,4-डाईमिथिल हेप्ट 3। इसका ओजोनोलिसिस करा देंगे, फिर से ओजोनाइट बनेगा। डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा? CH3CH2। सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर सी, यहाँ पर CH3 है, CH2CH2CH3। ओजोनाइट बनेगा तो यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल हम जोड़ देते हैं इस तरीके से, ये बन गया हमारा ओजोनाइट। देन ZN और H2O से रिएक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से, और कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH3CH2C, ये O आ जाएगा, डबल बॉन्ड O। यहाँ ऊपर क्या लगा हुआ है? CH3। इसी तरीके से इसमें मिल जाएगा हमें ये वाला हो गया CH3, देन C, फिर डबल बॉन्ड O, देन फिर CH2CH2CH3। नाम लिख लीजिए। तो 1, 2, 3, 4, चार कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है क्या जोड़ देंगे? एन। और सी डबल बॉन्ड वो है तो ई हटा के क्या जोड़ देंगे? ओन, ब्यूटेनोन। लेकिन दूसरे कारण पे तो क्या लिख देंगे? 2-ब्यूटेनोन। इसका बताइए, 1, 2, 3, 4, 5, पांच कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट। सिंगल बॉन्ड है क्या जोड़ देंगे? एन। सी डबल बॉन्ड वो लगा तो ई हटा के क्या जोड़ देंगे? ओन। दूसरे कार्बन पे तो क्या हो जाएगा? 2-पेंटेनोन। समझ में आया? अगला देखते हैं हम लोग। अगला हमें दिया हुआ है 2-एथिल
ब्यूट वन ईन, ब्यूट वन ईन, ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? चार, एक दो तीन चार। दूसरे पे क्या लगा? एथाइल, एक दो तीन चार, दूसरे पे एथाइल जोड़ दीजिए यानी C2H5, और ब्यूट वन ईन है तो पहले पे क्या लगा हुआ? डबल बॉन्ड, बाकी कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दीजिए। एक बॉन्ड जुड़ा है तीन हाइड्रोजन, दो बॉन्ड जुड़े हैं दो हाइड्रोजन, चार वैलेंसी होती तो जितने कम होती वैलेंसी उतने हम हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक दो तीन चार, यहाँ पे दो बॉन्ड जुड़े हैं, दो क्या जुड़ जाएंगे? हाइड्रोजन। इसकी ओजोनोलिसिस कराइए, ओजोन मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड पे जाके, क्या बन जाएगा? C2H5, यहाँ पे क्या है? CH2, यहाँ पर है CH3, यहाँ पे क्या है? CH2। ओजोन जुड़ जाएगा क्या डबल बॉन्ड पे इस तरीके से। फिर जब हम ZnH2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा कुछ इस तरीके से। हमें क्या मिल जाएगा बताइए? CH2O यानी HCHO मिल जाएगा, और प्लस साथ में क्या मिलेगा? ये C2H5 है, फिर ये C है, C से क्या लगा डबल बॉन्ड? O, देन क्या है? CH2 और CH3। एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथ CHO है, सिंगल बॉन्ड है तो N जुड़ेंगे, CHO है तो E हटाकर क्या जोड़ देंगे? अल्मेथेनल। इसमें कितने हो गए? तो इसमें हो गए एक दो, ये इधर सिंगल लीजिए, एक दो तीन चार पाँच, पाँच कार्बन के लिए क्या आता है? पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सिंगल बॉन्ड वो लगा तो ई हटा कर क्या जोड़ देंगे? ओन। तीसरे कार्बन पे तो क्या हो जाएगा? थ्री पेंटेनोन। लास्ट बचा है हमारा, लास्ट सॉल्व करते हैं। लास्ट हमारा है वन फिनाइल ब्यूट वन ईन। ब्यूट कितने कार्बन? चार, एक दो तीन चार। पहले पे लगा ईन, पहले पे ईन, और पहले पे ही लगा हुआ है फिनाइल, तो पहले पे हमने जोड़ दिया फिनाइल यानी C6H5। कार्बन की वैलेंसी चार, तीन बॉन्ड जुड़े एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड जुड़े एक हाइड्रोजन, दो बॉन्ड जुड़े हैं दो हाइड्रोजन, एक बॉन्ड जुड़ा है तीन हाइड्रोजन। ओजोनोलिसिस करा दीजिए तो क्या बन जाएगा? C6H5 CH CH CH2 CH3। यहाँ पे ओजोन जुड़ जाएगा आके, ZnH2 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा पूरा इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें? C6H5 CHO, और क्या मिल जाएगा? CH3 CH2 CHO। कितने कार्बन है? एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? प्रोप, सिंगल बॉन्ड है क्या जोड़ देंगे? एन, CHO है तो ई हटाकर क्या जोड़ देंगे? अल, प्रोपेनल, वन प्रोपेनल। ये हमारा बेंजीन में CHO लगा हुआ है, देखिए अगर हर कोने पर एक एक एच है तो हमारा हो गया C6H6। एक एच हटाइए, एक एच हटाइए तो C6H5 हो जाएगा, और क्या जोड़ दिए? CHO। तो बेंजीन में जब CHO लग जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल डिहाइड। सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो? अगर समझ में आया हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।